बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग के पिछले अध्याय में आपने सुना कि गांधी जी विदेश जाने के लिए बंबई पहुंचे, परंतु जब ये जाना कि जून जुलाई में हिंद महासागर में तूफान आते हैं, ऐसे में समुद्री यात्रा न करना ही तय हुआ और गांधी जी को बंबई में ही अपने एक बहनोई के पास छोड़कर उनके बड़े भाई वापस लौट आए। इधर जाति को ये बात नागवार गुजरी और गांधी जी को पंचायत में पेश होने का हुक्म मिला। सवाल जवाब हुए। गांधी जी ने पंचायत का सामना दृढ़ता और हिम्मत से किया। इसका नतीजा ये निकला कि गांधी जी को जाति से बाहर कर दिया गया, परंतु गांधी जी पर इस निश्चय का कोई असर नहीं हुआ। इसी बीच उन्हें खबर मिली कि सितंबर माह में रवाना होने वाले जहाज में एक वकील विलायत जाने वाले हैं। फिर तो गांधी जी ने सभी तैयारियां की और अंततः वे विलायत के लिए निकल पड़े। गांधी जी के आगे के सफर को जानने के लिए आइए सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय आखिर विलायत पहुंचा। जहाज में मुझे समुद्र का तो जरा भी कष्ट ना हुआ, पर जैसे जैसे दिन बीतते जाते वैसे वैसे मैं अधिक परेशान होता जाता था। स्टुअर्ड के साथ बातचीत करने में भी मैं शर्माता था। अंग्रेजी में बातें करने की मुझे आदत ही न थी। मजुमदार को छोड़कर दूसरे सब मुसाफिर अंग्रेज थे। मैं उनके साथ बोल ना पाता था। वे मुझसे बोलने का प्रयत्न करते तो मैं समझ ना पाता, और समझ लेता तो जवाब क्या देना है सो सूझता ना था। बोलने से पहले हर एक वाक्य को जमाना पड़ता था। कांटे चम्मच से खाना आता न था और किस पदार्थ में मांस नहीं है ये पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। इसलिए मैं खाने की मेज पर तो कभी गया ही नहीं, अपनी कोठरी में ही खाता था। अपने साथ खास करके जो मिठाई वगैरह लाया था उन्हीं से मैंने काम चलाया। मजुमदार को तो कोई संकोच नहीं था, वे सबके साथ घुल मिल गए थे। डेक पर भी आज़ादी से जाते थे। मैं सारे दिन कोठरी में बैठा रहता। कभी कभार जब डेक पर थोड़े लोग होते तो कुछ देर वहां जाकर बैठ लेता था। मजुमदार मुझे समझाते कि सबके साथ घुलो मिलो, आज़ादी से बातचीत करो। वे मुझसे ये भी कहते कि वकील की जीभ खूब चलनी चाहिए। वकील के नाते वे अपने अनुभव सुनाते और कहते कि अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, उसमें गलतियां तो होंगी ही, फिर भी खुलकर बोलते रहना चाहिए। पर मैं अपनी भीरुता छोड़ ना पाता था। मुझ पर दया करके एक भले अंग्रेज ने मुझसे बातचीत शुरू की। वे उम्र में बड़े थे। मैं क्या खाता हूँ, कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, किसी से बातचीत क्यों नहीं करता आदि प्रश्न वे पूछते रहते। उन्होंने मुझे खाने की मेज पर जाने की सलाह दी। मांस न खाने के मेरे आग्रह की बात सुनकर वे हंसे और मुझ पर तरस खाकर बोले, यहां तो ठीक है, पर बिस्के की खाड़ी में पहुंचने पर तुम अपने विचार बदल लोगे। इंग्लैंड में तो इतनी ठंड पड़ती है कि मांस खाए बिना चलता ही नहीं। मैंने कहा, मैंने सुना है कि वहां लोग मांसाहार के बिना रह सकते हैं। वे बोले, इसे गलत समझो। अपने परिचितों में मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता जो मांस ना खाता हो। सुनो, मैं शराब पीता हूं, पर तुम्हें पीने के लिए नहीं कहता, लेकिन मैं समझता हूं कि तुम्हें मांस तो खाना ही चाहिए। मैंने कहा, इस सलाह के लिए मैं आपका आभार मानता हूं, पर मांस न खाने के लिए मैं अपनी माताजी से वचनबद्ध हूं। इस कारण मैं मांस नहीं खा सकता। अगर उसके बिना ही काम न चला तो मैं वापस हिंदुस्तान चला जाऊंगा, पर मांस तो कभी न खाऊंगा। बिस्के की खाड़ी आई, वहां भी मुझे न तो मांस की जरूरत मालूम हुई और न मदिरा की। मुझसे कहा गया था कि मैं मांस न खाने के प्रमाण पत्र इकट्ठा कर लूं। इसलिए इन अंग्रेज मित्र से मैंने प्रमाण पत्र मांगा। उन्होंने खुशी खुशी दिया। कुछ समय तक मैं इसे धन की तरह संभाले रहा। बाद में मुझे पता चला कि प्रमाण पत्र तो मांस खाते हुए भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इसलिए उनके बारे में मेरा मोह नष्ट हो गया। अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो ऐसे मामले में प्रमाण पत्र दिखाकर मुझे क्या लाभ हो सकता है। दुख सुख सहते हुए यात्रा समाप्त करके हम साउथैम्पटन बंदरगाह पर पहुंचे। मुझे याद है कि उस दिन शनिवार था। जहाज पर मैं काली पोशाक पहनता था। मित्रों ने मेरे लिए सफ़ेद फलालैन की कोट पतलून भी बनवा दिए थे। उन्हें मैंने विलायत में उतरने के समय पहनने का विचार रखा था, ये समझकर कि सफ़ेद कपड़े अधिक अच्छे लगेंगे। मैं फलालैन का सूट पहनकर उतरा। सितंबर के आखिरी दिन थे। मैंने वहाँ इस पोशाक में एक अपने को ही देखा। मेरी पेटियां और उनकी चाबियां तो ग्रिंडले कंपनी के एजेंट ले गए थे। सबकी तरह मुझे भी करना चाहिए, यह समझकर मैंने तो अपनी चाबियां भी दे दी थीं। मेरे पास 4 सिफारिशी पत्र थे। डॉक्टर प्राणजीवन मेहता के नाम, दलपत राम शुक्ल के नाम, प्रिंस रणजीत सिंह जी के नाम और दादा भाई नरो जी के नाम। मैंने साउथैम्पटन से डॉक्टर मेहता को एक तार भेजा था। जहाज में किसी ने सलाह दी थी कि विक्टोरिया होटल में ठहरना चाहिए। इस कारण मजुमदार और मैं उस होटल में पहुंचे। मैं तो अपनी सफेद पोशाक की शर्म से गड़ा ही जा रहा था। तिस पर होटल में पहुंचने पर पता चला कि अगले दिन रविवार होने से ग्रिंडले के यहां से सामान सोमवार तक नहीं आएगा। इससे मैं बहुत परेशान हुआ। 7-8 बजे डॉक्टर मेहता आए। उन्होंने प्रेम भरा विनोद किया। मैंने अनजाने रेशमी रोएं वाली उनकी टोपी देखने के ख्याल से उठाई और उस पर उल्टा हाथ फेरा। इससे टोपी के रोएं खड़े हो गए। डॉक्टर मेहता ने देखा, मुझे तुरंत ही रोका, पर अपराध तो हो चुका था। उनके रोकने का नतीजा तो यही निकल सकता था कि दोबारा वैसा अपराध ना हो। समझिए कि यहीं से यूरोप के रीति रिवाजों के संबंध में मेरी शिक्षा का श्री गणेश हुआ। डॉक्टर मेहता हंसते हंसते बहुत सी बातें समझाते जाते थे। किसी की चीज छूनी नहीं चाहिए। किसी से जान पहचान होने पर जो प्रश्न हिंदुस्तान में यूं ही पूछे जा सकते हैं वे यहां नहीं पूछे जा सकते। बातें करते समय ऊंची आवाज से नहीं बोल सकते। हिंदुस्तान में अंग्रेजों से बात करते समय सर कहने का जो रिवाज है, यहां वो अनावश्यक है। सर तो नौकर अपने मालिक से अथवा बड़े अफसर से कहता है। फिर उन्होंने होटल में रहने के खर्च की भी चर्चा की और सुझाया कि किसी निजी कुटुंब में रहने की जरूरत पड़ेगी। इस विषय में अधिक विचार सोमवार पर छोड़ा गया। कई सलाहें देकर डॉक्टर मेहता विदा हुए। होटल में तो हम दोनों को यही लगा कि यहां कहाँ आप हंसे। होटल महंगा भी था। माल्टा से एक सिंधी यात्री जहाज पर सवार हुए थे। मजुमदार उनसे अच्छे घुल मिल गए थे। ये सिंधी यात्री लंदन के अच्छे जानकार थे। उन्होंने हमारे लिए 2 कमरे किराए पर लेने की जिम्मेदारी उठाई। हम सहमत हुए और सोमवार को जैसे ही सामान मिला, बिल चुकाकर उस सिंधी सज्जन द्वारा ठीक किए कमरों में हमने प्रवेश किया। मुझे याद है कि मेरे हिस्से का होटल का बिल लगभग 3 पाउंड का हुआ था। मैं तो उसे देखकर चकित ही रह गया। 3 पाउंड देने पर भी भूखा रहा। होटल की कोई चीज मुझे रुचती नहीं थी। एक चीज ली और वो नहीं रुची, दूसरी ली, पर दाम तो दोनों के ही चुकाने थे। ये कहना ठीक होगा कि अभी तक मेरा काम बंबई से लाए हुए पाथे से ही चल रहा था। इस नए कमरे में भी मैं बहुत परेशान रहा। देश की याद खूब आती थी। माता का प्रेम मूर्तिमान होता था। रात पड़ती और मैं रोना शुरू करता। घर की अनेक स्मृतियों की चढ़ाई के कारण नींद तो आ ही कैसे सकती थी। इस दुख की चर्चा किसी से की भी नहीं जा सकती थी। करने से लाभ भी क्या था। मैं स्वयं नहीं जानता था कि किस उपाय से मुझे आश्वासन मिलेगा। यहाँ के लोग विचित्र, रहन सहन विचित्र, घर भी विचित्र, घरों में रहने का ढंग भी विचित्र। क्या कहने और क्या करने से यहाँ शिष्टाचार के नियमों का उल्लंघन होगा, इसकी जानकारी भी मुझे बहुत कम थी। तिस पर खाने पीने का परहेज और खाने योग्य आहार सूखा तथा नीरस लगता था। इस कारण मेरी दशा सरौते के बीच सुपारी जैसी हो गई। विलायत में रहना मुझे अच्छा नहीं लगता था और देश को लौटा नहीं जा सकता था। विलायत पहुंच जाने पर तो 3 साल वहां पूरा करने का मेरा आग्रह था। अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से, अध्याय आखिर विलायत पहुंचा। वाचन स्वर था जैनेंद्र सिंह का, प्रस्तुतकर्ता निशा भारद्वाज।